अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नाम निहाद मजहबी स्कॉलर आमर लियाकत हुसैन शदीद मुश्किल में फंस गया है। बेटी की उम्र की लड़की से 4 माह पहले शादी करने वाले आमर लियाकत की 3री शादी का भी ड्रॉप सीन हो गया। दानिया शाह ने आमर लियाकत पर इल्जामात की बुछाड़ कर दी और तलाक के लिए अदालत से रब्ता कर लिया। नाजरीन, दानिया शाह जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं, आमर लियाकत ने बुशरा इकबाल और सैयदा तूबा को तलाक देने के बाद दानिया शाह से 4 माह पहले शादी की। दानिया शाह का कहना है कि आमर लियाकत नॉर्मल इंसान नहीं है, वो जो ऊपर से दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। दानिया का कहना था कि आमर लियाकत हुसैन आइस का नशा करता है और जब घर आता है तो मुझे एक छोटे से कमरे में बंद करके मुझ पर इंतहाई ज्यादा तशद्दुद करता है। दानिया का मजीद कहना था, वो ऐसे शख्स के साथ हरगज नहीं रह सकती जो उन पर तशद्दुद भी करता हो और हर वक्त नशे की हालत में भी रहता हो। दानिया शाह ने भावलपुर की अदालत में पेश होकर आमर लियाकत से अलैदगी की दरख्वास्त दायर कर दी है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आमर लियाकत ने इससे पहले 2 शादियां की थीं, एक बुशरा इकबाल और सैयदा तूबा के साथ, जो कि बदकिस्मती से तलाक की सूरत में ख़त्म हो गई थीं। नाजरीन, आमर लियाकत की 3री शादी के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।